दोस्तों, अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और फाफ डू प्लेसिस को बेस्ट प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में एक मैच खेला गया। इस मैच में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दरअसल इस मैच में आईपीएल का सबसे लंबा ओवर फेंका गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 171 रन बनाए। इस मैच में कोई भी स्टार खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन एक भारतीय युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा ने पूरी पारी को संभालते हुए मुंबई के स्कोर को 171 रन तक पहुंचा दिया। तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाए। उसके साथ साथ नेहल वढेरा ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए। इस मैच में रनों का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओपनिंग बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने रनों की झड़ी लगा दी। इस मैच में कोहली ने नाबाद 82 रन की पारी खेली, वहीं डू प्लेसिस ने 73 रन की विस्फोटक पारी खेली और मैच में आसान जीत हासिल की। अगर गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीमों की ओर से कोई खास प्रदर्शन नहीं देखने मिला। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले मोहम्मद सिराज ने इस मैच में अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। दरअसल मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी फाफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी सिराज के हाथ में दी। जैसे ही सिराज ने गेंदबाजी करना शुरू किया तो तिलक वर्मा ने अटैक कर दिया। इस वजह से सिराज की लाइन लेंथ बिगड़ गई और एक के बाद एक कुल 5 वाइड बॉल डाल दी। सिराज ने अपने इस ओवर में कुल 11 गेंदें डाली, जो कि आईपीएल का सबसे लंबा ओवर बन गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड मुनाफ पटेल के नाम था। मुनाफ ने एक ओवर में 10 गेंदें डाली थी, लेकिन अब यह रिकॉर्ड सिराज के नाम हो गया है।